है आपके अपनी YouTube स्टॉक्स पे। दोस्तों अगर आप लोगों के पास एंजल वन जोरदा या अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजीली अकाउंट खोल सकते हो। और यहां पे आपको डेली ट्रेडिंग रूल्स है जिसको आप जरूर फोकस कीजिए। छोटी सी चीज है, आपको लगेगा कि ये कोई काम की नहीं है, लेकिन आप इसको आजमाओ, आपको जरूर काम का मिलेगा। इतने बुक्स का निचोड़ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको देखेगा, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स ये हो गया, एक मजबूत ट्रेंड हमें दिख रहा है। तो इस ट्रेंड को यहाँ पे ये जो पोर्शन है 43,500 का जो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है, इसको ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा कल एक्सपायरी के लिए। कल एक्सपायरी का दिन याद रखिएगा, एक्सपायरी का दिन अगर ये 43,500 के ऊपर जाके या वहां पे जाके सस्टेन करता है थोड़ी देर, तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। 43,500 का यहाँ पे ये ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए ये जैसे यहाँ से रिवर्सल दिया है, अगर ये यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4300 का पीई और 4300 का सीई, दोनों दोनों पीई एंड सीई दोनों आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और रखने के बाद आप उसको वॉच करना है कि किस साइड में ब्रेक दे रहा है, कौन सा इसका जो प्रीमियम है मजबूत है, जहां पे डीके नहीं हो रहे, ठीक है। और आराम से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। वो अगर देखिए यहां से वो नीचे रिवर्सल देगा, ब्रेक डाउन देगा इस ट्रेंड को, तो हमें आराम से यहाँ पे 300 पॉइंट्स मिनिमम हमें यहाँ पे मिलेंगे, मिनिमम 300 पॉइंट्स, ठीक है, डाउन साइड। और अपसाइड में आपको 200 टू 250 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अपसाइड में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कल टाइम लैग करेगा, थोड़ा सा कल टाइम लैग करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे यहाँ पे घूमता रहेगा, और जब तक ये घूमता है तब तक आप कोई ट्रेड नहीं लोगे। जैसे ही ब्रेकआउट देगा वैसे ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। और आज के लिए जो इंट्राडे स्टॉक था वो था ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में भी देखिए जबरदस्त तरीके से आपको जो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो 536 है, ये आपको डॉट 536 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। ग्लेनमार्क पिछले दिन भी मंडे को भी आपको प्रॉफिट मिला और ग्लेनमार्क में आज भी मिला। मैं तो सोच रहा था ग्लेनमार्क आज भी दूं, इसमें आज भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन रहा था कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 6 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता अगर कल के लिए देता। लेकिन शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे कि एक ही स्टॉक 3 दिन से दे रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं दिया। फिर भी आप इसको वॉच में रख सकते हो अपने लिए कल के लिए। मैं इसको वो ये स्टॉक है कल के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए हेल। हेल में हम क्या करेंगे, हेल में आपको देखिएगा जबरदस्त तरीके से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन भी किया है, ठीक है। तो हेल में देखिए एक अच्छा सा पेंडेंट पैटर्न हमें देखने को मिला है। ये पेंडेंट पैटर्न में आइदर साइड ब्रेकआउट देता है, आइदर साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन का हम फायदा लेंगे। ये ज्यादातर जो यहाँ पे एंट्री हमें दिख रहा है, यहाँ पे राइज इन वॉल्यूम दिख रहा है, और इसमें जो न्यूज आ रही है उसके उसका जो इम्पैक्ट होगा ये अपसाइड ब्रेक देगा। जहां तक 70% प्रोबेबिलिटी है ये अपसाइड ब्रेक देगा कल, ठीक है। तो अगर ये ऐसा करता है तो हम इसको अपसाइड में, ये मेरा टारगेट है 23 पॉइंट्स का, ठीक है, अपसाइड में, और डाउनसाइड में भी 23 पॉइंट्स का टारगेट है। बट प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद अगर ये ऐसे साइड में घूमता रहे तो आपको इसमें जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो आपको ट्रेड नहीं लेना है। छोटे छोटे प्रॉफिट हम लेते रहेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा कल के लिए हमारा ट्रेड हेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।